चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों को रखने के विरोध में मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। गुना सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्ट्रेट के सामने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध किया गया है। साथ ही कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस निर्णय को निरस्त करने की मांग की है। बता दें कि सरकार ने अगले 5 साल में 2,50,000 कर्मचारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसी में चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स से भरने को कहा गया है। संघ के अध्यक्ष चंदन परिहार के नेतृत्व में यह रैली हुई, जिसमें चंदन परिहार ने आउटसोर्स पर कर्मचारी को रखने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, पूरे मध्य प्रदेश में आज देने का प्रांतीय वार पर दिया जा रहा है। इसमें 3 मांगे हैं। जो फर्स्ट मांग, जो आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती भरी हो रही है, तो इसमें क्या है, बीच के जो लोग हैं, शासन 20,000 तनखा दे रही है, वो बीच के लोग 10,000 में ही काम करा रहे हैं। कोई 5,000 दे रहा है, कोई 8,000 दे रहा है। तो हम शासन से मांग करते हैं कि शासन द्वारा ही उनको भर्ती भरी जाए, ताकि बेचारों का 10,000-20,000 से बच के जो शासन दे रही है निर्धारित, उसमें फायदा हो उनको। और तीसरी मांग जो है, आउटसोर्स कर्मचारी और एक जो है अपनी सीधी भर्ती हुए, शासन द्वारा ही भर्ती हुए, तो मैंने जिला का साहब, हम आज नहीं कल परमानेंट होंगे, हमारा घर चलेगा। अब बीच के लोग कुछ भी दिन बाद हटा देते हैं उनको, तो ऐसा नहीं चलेगा।